कर्नाटक में हिसाब के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तमाम तरह की सियासत होती दिख रही है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे का असर 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर भी होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का मानना है कि हिसाब मामले का बहुत कम या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय से शैक्षिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था, साथ ही कहा था कि हिसाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य प्रथा नहीं है। खबरों के अनुसार कुछ स्थानीय नेताओं का मानना है कि हिजाब पहने हुए लड़कियां और भगवा धारियों के बीच विवाद भाजपा और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बीच जारी सियासी जंग का हिस्सा था। एसडीपीआई पॉपुलर फंड ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल विंग है। खबरों के मुताबिक उडीपी के एक छात्र नेता ने बताया कि बीते कुछ सालों में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और भाजपा के बीच सियासी जंग तेज हुई है। वहीं एसडीपीआई भी भावनाओं को भड़काने में जुटी हुई है और हम इन दिनों कैंपस में इस स्थिति को देख सकते हैं। वहीं छात्र नेता ने कहा कि चुनाव विचारधाराओं से लड़े जाते हैं, ये दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। हमें पता है कि ये चुनाव का हिस्सा बनेगा। युवा मतदाता निश्चित रूप से इसके बारे में बात करना चाहते हैं।